राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल बन गए हैं। बुधवार को असम के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने गुवाहाटी में कटारिया को राज्यपाल पद की शपथ दिलवाई। इस दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता मौजूद रहे। 12 फरवरी को असम राज्यपाल के पद के लिए गुलाब चंद कटारिया के नाम का ऐलान हुआ था। असम के नव नियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भारतीय जनता पार्टी ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है, तो वहीं बीजेपी अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट कर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का आरोपी बताया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को संजीवनी घोटाले का जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले सोमवार यानी कि 20 फरवरी को जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि गहलोत अपने बेटे की पिछले लोकसभा चुनाव में जोधपुर संसदीय क्षेत्र में हुई हार की खींच निकालने के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं। शेखावत के इस बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट किया कि एसओजी की जांच में संजीवनी घोटाले में अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के समान गजेंद्र सिंह शेखावत का जुर्म प्रमाणित हुआ है। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना की एडीजे कोर्ट ने पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व विधायक को 22 साल की महिला से दुष्कर्म का दोषी पाया और फिर उसकी सजा का फैसला सुनाया। अब 86 साल की उम्र में पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित जेल जाएगा। हालांकि वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, 5 साल पहले उसने राजनीति से संन्यास ले लिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान भंवरलाल शर्मा व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई और 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के आदेश के अनुसार ये रकम पीड़िता को दी जाएगी। आपको बता दें, मनाना गाँव की रहने वाली 22 साल की एक महिला ने 1 मई 2002 को पूर्व विधायक भंवरलाल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। दुष्कर्म के बाद महिला गर्भवती भी हो गई थी, जिस कारण उसका गर्भपात कराया गया था। 20 साल से ये केस मकराना के अपर सेशन न्यायालय में चल रहा था, जिसमें आज सजा दी गई है। जुनैद नासिर हत्याकांड में एक आरोपी की पत्नी की शिकायत पर राजस्थान पुलिस पर गर्भस्थ बच्चे की हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी श्रीकांत पंडित के परिवार ने आरोप लगाया है कि 17 फरवरी को राजस्थान पुलिस के कुछ जवानों और कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर पर छापेमारी की। इस दौरान श्रीकांत पंडित की पत्नी के पेट पर पैर से हमला किया गया, जिससे गर्भ में पल रहे उनके 9 महीने के अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में राजस्थान पुलिस पर बिना जांच के आरोपियों को तय करने और उनके साथ बर्बर व्यवहार करने का आरोप लगाया है। हरियाणा के नूह क्षेत्र के नगीना थाने में दर्ज इस मामले में राजस्थान पुलिस के कुछ जवानों और कुछ अज्ञात लोगों पर अजन्मे बच्चे की हत्या का आरोपी बनाया गया है। चूंकि जुनैद और नासिर हत्याकांड में राजस्थान पुलिस पर पहले ही राजनीतिक कारणों से कार्रवाई करने के आरोप लग रहे थे, मोनू मानेसर के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि राजस्थान सरकार के दबाव में पुलिस बिना जांच के उन्हें आरोपी मानकर कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरह राजस्थान पुलिस के जवानों के खिलाफ हरियाणा में मामला दर्ज हुआ है, अब मामला राजस्थान पुलिस बनाम हरियाणा पुलिस बनता जा रहा है। राजधानी जयपुर में जेएलएन मार्ग पर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने बुधवार को एक अजीब वाकया सामने आया। अजमेर जिले के ब्यावर से जयपुर आई 36 साल की महिला एएनएम बीच सड़क पर ही निर्वस्त्र हो गई। आपको बता दें कि बीच सड़क पर निर्वस्त्र हुई महिला साल 2020 से एपीओ पर चल रही है। महिला एएनएम निर्वस्त्र होकर अपने एपीओ होने का विरोध कर रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस के महिला को देखते ही हाथ पैर फूल गए। महिला कांस्टेबल ने कड़ी मशक्कत के बाद एएनएम पर काबू पाया। पुलिस महिला को एसएमएस अस्पताल थाने ले गई और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। महिला साल 2020 से एपीओ चल रही है। एएनएम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जेएलएन मार्ग के डिवाइडर पर जाकर निर्वस्त्र होकर बैठ गई थी। महिला काफी देर तक निर्वस्त्र होकर डिवाइडर पर ही बैठी रही। महिला को देख राहगीरों ने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही एसएमएस अस्पताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब महिला को काबू करने का प्रयास किया तो महिला उग्र हो गई, जिसे देखकर पुलिस टीम के भी हाथ पैर फूल गए। महिला कांस्टेबलों ने बड़ी मुश्किल से एएनएम को कपड़े पहनाए। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है। आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए अमर उजाला राजस्थान के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।